प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर फरीदाबाद पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री सेक्टर 88 के अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 133 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल में 2600 बेड होंगे। अस्पताल का दावा है कि यह अस्पताल एशिया में सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसके चलते यहाँ पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्थानीय विधायक राजेश नगर के मुताबिक फरीदाबाद पहले शिक्षा का हब हुआ करता था, लेकिन अब चिकित्सा के रूप में पहचाना जाएगा। विधायक राजेश ने बताया कि कल होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी आने वाले हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फरीदाबाद पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ सौगात मिलने वाली है? देखो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे फरीदाबाद में आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात अमृता हॉस्पिटल के रूप में हमें कल मिलने जा रही है। और ये हॉस्पिटल पूरे भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है और यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50,000 से 1,00,000 लोगों को फ़ायदा होगा इससे। और ये पंडाल भी पूरा एसी पंडाल बनाया गया है और यहाँ बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी, लोगों के लिए बैठने की इंतजाम किए गए हैं। क्या टाइमिंग रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एसपीजी पहले ही 3-4 दिन से यहाँ पहले आ चुकी है और कई हज़ार पुलिस कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल जी भी सुबह भी होके गए हैं और दोबारा भी आ रहे हैं और सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। टाइमिंग क्या रहने वाली है प्रधानमंत्री जी? लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है और 1 से 2 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। अमृता अस्पताल की तो सौगात मिलने वाली, इसके अलावा और भी कुछ फरीदाबाद को मिलने वाला है पीएम की तरफ से? देखो, हमारी बहुत पुरानी एक मांग थी कि फरीदाबाद को एक मदर यूनिट हमें मिले, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा ये मदर यूनिट के रूप में ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे फरीदाबाद को मिलने जा रही है और यहाँ से बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। क्यों, यहाँ पर लोग विदेश से भी इलाज कराने आएंगे, पूरे भारत से इलाज कराने आएंगे, NCR से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आएंगे और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और आने वाले समय में ये हमारा पूरा जो ये क्षेत्र है डेवलप हो जाएगा।